अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान, इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। निवेदन देखो, श्रोता चाहे कम संख्या में हो या ज्यादा में हो, पर श्रोता सुनकर होने चाहिए। चाहे दस ही आदमी हो, चाहे एक ही हो, लेकिन हर श्रोता, हम तो यही मानते हैं कि वक्ता से प्रवीण होता है। निवेदन है फौजदार जी, सुना आपने। देखो, बहुत ही प्राचीन हमारा ये मेला है, प्रोग्राम है। आपने सुना, सांझ सुनी पिया वन की एक चातुर नार श्रृंगार बनायो, पीरी केसर पीरी बेसर पीरो हार हिए। देखो कवि कह रहा है, ध्यान से, रजनी गई बीते अब भोर भया, ब्रजना निंदिया बिसराई, घर झार बुहार भई फार ग, जमुना के तट सो जल भरे नाय धोए आभूषण पहने, अपना लिया श्रृंगार बनाई, धन नागिन सी लहराई रही मथुरा नगरी, दधि बेचन माखन बेचवे को ग्वालिनी निकरी गई, पल्लिया को मैया जसोदा कन्हैया ते कह रही है छोरा, सवेरो हेरो बैठे हो जा बेटा, क्या कह रही है। Hey!
कहो सबे रात जाग कन्हैया 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 चार था भयो सबेरा जाग कन्हैया तू जगावे तेरी मैया है तू जगावे तेरी मैया है न तेरी खिर कर मार रही कैया राधे हेलो ग्वाल बाल सब ठारे द्वारे ग्वाल बाल सब ठारे द्वारे अब तो जग जा पंसी अरे अब तो जग जा पंसी बारे संग पलताऊ सो भैया है पीरी फटी भयो अब भोर बोले पपिया कोयल मोर अपने तन का मन का होश भूल गई ब्रजबाल की कहा करू कित जाऊ बसुरिया बजू नंद के लाल की पीरी फटी देखो 100 रुपया हमारे चाचा दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्यान को केंद्रित कीजिए प्रसंग की तरफ लगाइए। एक घंटे का नंबर है तो प्रसंग भी एक घंटे का ही गाया जाएगा पूरा। शासन शुरू किया कलयुग ने शासन शुरू किया कलयुग ने अपने पाम जमाए हैं करण शिकार परीक्षित राजा बियाबान में आए हैं। सिर पे ताज धरो सोने को सिर पे ताज धरो सोने को पलक की करी ना देरी और बाग कलयुग ने माया। महाराज परीक्षित बियाबान जंगल में पहुंच गए पर तुलसी बाबा पहले ही लिख गए तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय आप न आवे ताहे पे तो ताहे तहां ले जाए। प्यास से व्याकुले धूप से परेशाने महाराज परीक्षित कहां पहुंच गए श्रमिक ऋषि के आश्रम पे और श्रमिक ऋषि अपने ध्यान में मगन बैठी। अब एक घटना घटने के लिए जा रही है अनहोनी होने के लिए जा रही है क्या होने के लिए जा रही है चार साहब क्या लगा? हो सहवास
उड़े गर्मी ते मन में हिम्मत हार है। परीक्षत ने भजन करते हुए श्रमिक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। वहां से हस्तनापुर की तरफ कूच कर गए। लेके बाज विपन से राजा नगर अपने को आयो है। सिर से ताज हटा सोने को सोच जिगर में छायो है। भारी पाप कियो है मैंने, कैसा पाप कियो है मैंने, क्यों अकल बिगड़ गई मेरी और बाप कलयुग ने माया। महाराज परीक्षित हस्तनापुर के अंदर महलों के दरमियान पश्चाताप की अग्नि में जल रहे और उधर में श्रमिक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ऋषि ने देखा कि किसी पापी ने, किसी अधर्मी ने, किसी दुष्ट ने मेरे भजन करते हुए पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है, श्रृंगी ऋषि एकदम क्रोध से आग बबूला हो गए। कौत की नदी का जल अंजलि में ले लिया। भागवत महापुराण स्पष्ट कह रही है, इत लंगित मर्यादम तच्छक सप्तमेहिनी। अब श्रृंगी ऋषि क्या कर रहे हैं चार साहब, क्या लिखा भैया? भजन की अपनी माला
फिर से झलकी है। और झलकी क्या है, 100 रुपए का पुरस्कार हमारे कलुआ काका जी सिंसनवार फौजदार खेमरा खुर्द निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी माननीय चैन सिंह जी फौजदार जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे नेम सिंह काका जी नगला खुशहाल निवासी दे रहे हैं। और 100 रुपया हमारे भैया दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए हमारे बंधे चाचा जी दे रहे हैं देवलाल जी। सुनिए चार साहब, अरे जाने किया पाप दूं मैं, जाने किया चारे श्रृंगीर इसने, हाँ जी, बिना बिचारे श्रृंगीर इसने, ध्यान दियो, बिना बिचारे श्रृंगीर इसने श्राप सुना दिया भारी है। और इतमें ध्यान प्रभु को धर के खुली संत की तारी है। सबरी कथा सुनी बाबा ने, सारा वृतांत श्रमिक ऋषि के सामने आ गया। सबरी कथा सुनी बाबा ने और फिर ऐसे वचन उचारे, अरे बेटा तेने बादर, तूने ये क्या कर दिया, महाराज परीक्षित को श्राप लगा दियो। श्रृंगी ऋषि तो कह रहे नहीं पिताजी, बिन्ने बहुत बड़ो पाप करे हुए। और श्रमिक ऋषि कह रहे नहीं बेटा, उसके समान तो कोई धर्मात्मा राजा ही नहीं है। अब चौक आ रहा है जिकड़ी का चौक, और जिकड़ी के चौक में क्या समझा रहे हैं श्रमिक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को, भैया कैसे प्रभातकालीन वेला। और ये प्रभातकालीन वेला के स्वरों में छोटा सा चौक है साहब, कैसे चार साहब, खादी
पुरानी धुन है जिसमें आप चौक सुन रहे संतोष भैया। और इस दिल में बंबई वाले कह रहे, लेकिन दादा तुलसीदास क्या कह रहे, पांच मिनट कड़ी होगी पूरी। धर्मवीर भैया कलयुग में साधु संतन को कह रहे, श्रमिक ऋषि कह रहे, कलयुग में साधु संतन को वो ही एक सहारा है और वही सहारा तेने बेटा बिना मौत के मारा है। बिन राजा के संत जगत में, पांच मिनट में कर दूंगा, तुम सुनो। श्रमिक ऋषि कह रहे संगी ऋषि से, कलयुग में साधु संतन को वो ही एक सहारा है और वही सहारा तेने बेटा बिना मौत के मारो है। राजा बिना संत दुनिया में खूब डेढ़ घंटा को दे दो भले, कोई बात ना। सुनिए, राजा बिना संत दुनिया में, बिन राजा के संत जगत में डोलेंगे मारे मारे। अरे बेटा तेने बादर। अब श्रमिक ऋषि कह रहे चेलांते संतन की बाणी कबू निरर्थक ना जाए, खाली ना जाए। तुमने श्राप तो दे दिया पर बेटा एक काम कर लियो रे। कहा हस्तनापुर को या संदेश है या समाचार है या सूचना है कैसे करके पहुंचा दियो। चेला इकट्ठे कर लिए श्रमिक ऋषि ने। अब ढोला आ रहा, देखो ढोला में समझा रहे, क्या समझा रहे मास्टर। क्या कह रहे चेलांते श्रमिक ऋषि, मैं ढोलक में नौवारी माऊ की झलक दिखाइयो भैया। अरे राज चेला काका, अरे राज चेला राजा को बताए दियो जाए के रा जब आवेगा
जितना सातमो जब आवे गो क्या होगा सातवें दिन अरे नाग तो कू नाग अरे नाग तो कू नाग तो कू नाग तो कू खावे गो भुजंगी पचकना तो सुनियो ना और नहीं तो कछु कोशिश कर तो ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे नेम सिंह काकाजी नगला खुशालवारे दे रहे हैं उड़ान सुनिए मेरे पंचो चेला दिए पठाए को भेज दिया हस्तनापुर और कहानी खुशी भयो और खुशी भयो राजा अति भारी जवाब नहीं भाई चार तेरा आ रही है की ओरी नते हाँ हाँ की ओरी नते ओ हो की ओरी नते काली के फन पे की ओरी नते क्या ये गेंद गई जमो दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छह सात चार तीन दो सारे गामा पा धनी सा सानी धा पा मंगा रे सा सा सारे रे गादा गई जब नाम पहुंचो गेंद गई जमुना में पहुंचो गेंद गई जमुना में पहुंचो गेंद गई जब नाम पहुंचो कार्य ने मारी फुसकार गेंद गई जब नाम पहुंचो ऐसी मारी फुम 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 ऐसी मारी फुम फुम फुम
छुटकारो, आप दे मिल जा छुटकारो, बाप दे मिल जा छुटकारो, बाप दे मिल जा छुटकारो, बाप दे मिल जा छुटकारो। अरे पाप दे मिल जा छुटकारो, सारे जग में हल्ला मचो, वो दुनिया में हल्ला मचो, भूपक खा जाएगो। कड़ी चलो नंबर पे दे रे बंदी,